हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन चक्रवर्ती, एजुकेशन विजन 51 चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देखेंगे और जिसे हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा जो टॉपिक है जिसे हमेशा अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ हम लोग आज केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। चलिए बिना समय गंवाते हुए आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। देखिए, हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, केमिस्ट्री एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, यह एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन? केमिस्ट्री। लैटिन वर्ड में केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? कीमिया कहते हैं। लैटिन वर्ड में हम लोग केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? कीमिया, कीमिया कहते हैं। इस केमिया का मतलब क्या होता है? केमिया का मतलब होता है केमिकल्स, केमिकल्स, केमी, केमिकल्स। हम लोगों को केमिकल्स के बारे में अध्ययन करना है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो इसी के बारे में हम लोग आज इसको देखेंगे और अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, केमिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो केमिस्ट्री विज्ञान का वह शाखा है जिसके बारे में हम लोग केमिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। चलिए आज हम लोग इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री का ऐसे माना जाता है कि केमिस्ट्री का हम लोग पहले देखेंगे इसका जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मतलब या हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन का जनक कौन है या रसायन का आधुनिक जनक कौन है, दोनों पूछे तो हम लोग किसे टिक करेंगे? एंटोनी लेवसिए को, एंटोनी लेवसिए को, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेवसिए, टोनी लेवेसियर, लेवेसियर वैज्ञानिक एंटोनी लेवेसियर को कहा जाता है, या इसी को मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। किसको? एंटोनी लेवेसियर जी को। अब देखिए, इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा गया? तो इसलिए कहा गया क्योंकि एंटोनी लेवेसियर जी ने, यहां हम लोग लिख लेते हैं, एंटोनी लेवेसियर, लेवेसियर, इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा गया है? इन्होंने एक बुक लिखा था। कौन वो बुक का वह नाम क्या है? इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक कौन? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। वो बुक का नाम क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा बुक लिखा था? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब यहां से आपको दो क्वेश्चन बनेंगे, पूछेगा कि केमिस्ट्री का फादर कौन है, तो हम लोग एंटोनी लेवेसियर जी को कहेंगे, और पूछेगा कि एंटोनी लेवेसियर जी ने कौन सा बुक लिखी थी? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, और एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री में इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स ऑफ इस बुक में क्या लिखा था, इस बुक में लिखा था क्या? 105 तत्वों के बारे में इन्होंने, उस समय 105 ही तत्व की खोज हुई, 105 तत्व की बारे में जानकारी प्राप्त किया था कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसी के बारे में यह एक पुस्तक लिखा था। कौन? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए, उस तत्व के पहले का एलिमेंट आपको देखा जाता है कि एक पीरियोडिक टेबल, मतलब पहले का तत्व कौन होता है? देखिए,
इस तरह ये ग्रुप हो गया, ये पीरियड हो गया, ये पीरियड हो गया। तो एंटोनी लेवेसियन जी ने क्या किया, यह बुक तो लिख दिया उस तत्वों के बारे में, फिजिकल और केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बता दिया, लेकिन यह जो 105 तत्व है न, इस 105 तत्वों को एक ग्रुप में और एक पीरियड में किसने सजाया, तो एक ग्रुप और एक पीरियड में जो मेंडलीफ ने सजाया था, मेंडलीफ ने सजाया था, मेंडलीफ ने सजाया था किसको, पीरियोडिक टेबल को और 105 तत्वों को। तो पहला क्या था, हाइड्रोजन। अब कहा जाता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन की खोज। लेकिन हेनरी कैवेंडिश जी ने हाइड्रोजन की खोज किया, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक भार क्या है, तो ये मतलब ये सब बता दिया, लेकिन इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या बता दिया, लेकिन जो हाइड्रोजन है ना, तो इसका नाम हाइड्रोजन किसने दिया, तो वो हो जाएगा कौन, एंटोनी लेवेसियर जी ने हाइड्रोजन का नाम, हाइड्रोजन का नाम किसने दिया, एंटोनी लेवेसियर जी ने नाम किसने दिया, एंटोनी लेवेसियर जी ने। और इसकी खोज किसने की था, हेनरी कैवेंडिश जी ने। तो यहां से आपको चार क्वेश्चन बन गए। देखिए सबसे पहले पूछेगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो हम लोग एंटोनी लेवेसियर जी को देख लिए। उसके बाद पूछेगा कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया, तो हेनरी कैवेंडिश जी ने। अब यहां से क्वेश्चन आपको दे देगा कि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया, लेकिन उसका नामकरण किसने दिया, तो वो एंटोनी लेवेसियर जी ने दिया था, किसने दिया, एंटोनी लेवेसियर जी ने। और अब हम लोग आगे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसका कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, उसका उपयोग और उसे रिलेटेड जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसे माना जाता है कि पीरियोडिक टेबल में हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलता है, और उसे हम लोग आज देखेंगे, आज नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, जय हिंद।